आज की इस वीडियो में हम आपको लाइनर माइका प्रेस करने का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे। लाइनर माइका की थिकनेस कम होने की वजह से इसे प्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो चलिए जानते हैं माइका लगाने का सही तरीका। अगर गर्मी का मौसम है तो आपने आउटडोर में सनमाइका बिल्कुल भी नहीं लगानी है, और जहाँ पे आप माइका प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे हवा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शीट के ऊपर फेविकोल लगाते समय ये पूरा ध्यान रखें कि शीट के ऊपर बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी तिनका कचरे का रहा तो बबल आने का चांस रहेगा। तो ध्यान रहे कि शीट को अच्छी तरह से साफ़ कर लें किसी साफ़ कपड़े से, और आपने जो भी फेविकोल लगाना है, किसी भी, आप चाहे माइका का छोटा पीस ले लें, चाहे इसकी एक कंघी भी आती है रेडीमेड, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन फेविकोल लगाने की जो मात्रा है वो एक समान होनी चाहिए, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक मात्रा में ही होनी चाहिए। आपने फेविकोल लगाना है तो पूरी स्पीड से ही लगाना है। अगर आप धीरे धीरे फेविकोल लगाएंगे तो आपका फेविकोल सूखता चला जाएगा और आपकी जो माइका है वो प्लाईबोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस नहीं हो पाएगी। तो आपने स्पीड का पूरा ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंदर तो हमने जो फॉरवर्ड स्पीड है वो तेज़ करके रखी हुई है, असल में ये इतनी स्पीड है नहीं। तो जो फेविकोल लगाना है वो प्लाईबोर्ड और माइका के ऊपर दोनों तरफ ही फेविकोल लगाना है। अगर हम एक तरफ लगाएंगे तो बबल आने के चांस रहेंगे। तो ध्यान रहे कि जो माइका लगानी है वो दोनों साइड ही लगानी है और एक जैसी मात्रा में लगानी है। और एक बात का और आप अच्छे से ध्यान रखें कि जिस भी आप प्लाईबोर्ड पे आपने माइका लगानी है, आपने उस प्लाईबोर्ड का जो साइज़ है उसके हिसाब से आपने जो माइका की कटिंग करनी है वो 3 mm ही ज़्यादा रखनी है। अगर आप 3 mm से भी ज़्यादा रखेंगे, कि मान लीजिए आपने 5 mm या 6 mm या उससे भी ज़्यादा रखी है, तो जब आप इसके ऊपर टेप लगाएंगे तो उसके जो दबाव पड़ेगी टेप की, तो उसके जो कोने होते हैं जो माइका के, वो उसके ऊपर बबल बन जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में आपको ऐसी और भी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमने बोर्ड और माइका दोनों तरफ फेविकोल पेस्ट कर लिया है अच्छी तरह से। फेविकोल पेस्ट करने के बाद जो प्रोसेस होता है वो आप अच्छी तरह से देख लें कि माइका का जो पीस आपने बोर्ड के ऊपर पेस्ट करना है तो आपने एक साइड को अच्छी तरह से दबा देना है और दूसरी साइड से आपने उठा कर रखना है। अगर आप पूरा का पूरा पीस बोर्ड या प्लाई के ऊपर पेस्ट कर देंगे तो बबल 100% बनेंगे, और जिस तरह से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, अगर आप उसी तरह से पेस्ट करेंगे तो 100% पूरी गारंटी है कि आपकी माइका के अंदर एक भी बबल नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।